हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, अरोमा ऑफ गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज फ्रेंड्स हम इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये एक छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये सहजन यानी कि मोरिंगा का प्लांट है। इसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट रहते हैं, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसको कि ड्रमस्टिक भी कहते हैं। और ये बेसिकली साउथ इंडिया से बिलोंग करता है। ये प्लांट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सांभर में डाला जाता है इसको, इसकी सब्जी भी बनती है इसकी फलियों की, इसके फ्लावर्स लीव्स बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इसी प्लांट के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि एक पॉली बैग में है लगा हुआ, इसको मैं रिपोर्ट भी करूँगा। फ्रेंड्स ये छोटे से मुझे लाए हुए छोटे से पॉली बैग में था, मुझे लाए हुए करीब एक वीक हो गया है। और इसकी जो पानी की जो होल्डिंग कैपेसिटी थी इस पॉली बैग की बहुत कम थी, तो मैंने इस तरीके के मेरे पास एक ही प्लास्टिक की बॉटल का पीस था, तो मैंने उसके अंदर इसको मिट्टी डाल के रख दिया था, जिससे कि इसमें थोड़ी ज़्यादा पानी होल्ड हो सके, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा ये प्लांट सूख जाए। अब पॉली बैग में ये लगा हुआ था, अभी देखिए ये रूट इसकी बाहर आ गई हैं, थोड़ी थोड़ी सी ये वाली यहाँ से निकल रही है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये इसमें मैंने रख दिया था, जो कि मिट्टी से कवर कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी कुछ रूट्स जो है थोड़ी सी बाहर भी निकली थी। अब मैं इस पॉली बैग में से इसको बाहर निकाल लेता हूँ और फिर हम इसको रिपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये मोरिंगा का प्लांट जो है, ये सीड्स और कटिंग दोनों से ही ग्रो होता है। ये मैंने एक पॉट लिया हुआ है जो कि लगभग 10 इंच का है, और ये एक स्टोन, ये जो गमले का एक टुकड़ा ही है ये, और ये जो आप देख रहे हो होल, ड्रेनेज होल, इस पर मैं इसको इस तरीके से ये वाला सरफेस जो है ये नीचे की तरफ करके इसको रख दूंगा। ये वाले सरफेस की तरफ से आप मत रखिएगा, क्योंकि इससे पूरा जो ड्रेनेज होल है वो कवर हो जाता है, और फिर बाद में हो सकता है कि आपका जो ड्रेनेज होल है वो ब्लॉक भी हो जाए। अब हम इस प्लांट को इसमें से निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आप इसको सीड से ग्रो कर रहे हैं, तो इसके सीड्स जो है वो 1 इंच डीप में ही आप इसको प्लांट, इसके जो सीड्स हैं उनको आप प्लांट करिएगा, ज़्यादा इससे ज़्यादा डेप्थ में मत करिएगा। और अगर आप इसकी कटिंग लगा रहे हैं, कटिंग से इसको ग्रो करना चाहते हैं, तो ऑन एन अप्रॉक्स 3 फीट तक की कटिंग आप लीजिएगा, जिसकी हाइट 3 फीट हो और इतनी मोटी हो जिसका कि सेंटीमीटर में अगर मैं बताऊं आपको तो 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर हो, इतनी मोटी इसकी ब्रांच होनी चाहिए, तो वो ईजिली ग्रो कर जाती है। मैं इसके, क्योंकि बहुत छोटा प्लांट है, इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसके साइड की मिट्टी नहीं हटाऊंगा, इसको एज इट इज़ जैसा ये है वैसे ही इसको प्लेस कर दूंगा। ये देखिए इसके रूट बिल्कुल नीचे तक आ चुकी है, यानी कि ये रेडी था इस पॉली बैग से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। फ्रेंड्स जैसे जैसे ये बड़ा होता चला जाएगा, एक साल में लगभग ये 6 से 10 फीट तक की हाइट ले सकता है, और फ्रूटिंग सीज़न के बाद जब इसकी फ्रूटिंग हो जाती है उसके बाद इसकी हम प्रूनिंग भी कर देते हैं, जिससे कि नेक्स्ट काफ़ी सारी ब्रांचेस डेवलप होती हैं और नेक्स्ट सीज़न में आपको और अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। फ्रेंड्स अब मैं पॉट को जो है वो सॉइल मीडिया से फिल कर दूंगा। इसकी जब आप सॉइल प्रिपेयर कर रहे हो मोरिंगा प्लांट के लिए, तो आप अपने सॉइल मीडिया में सैंड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा, जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है।
थोड़ा थोड़ा साथ साथ मैं मिट्टी को प्रेस करते चला जाऊंगा, जिससे कि एक अच्छे तरीके से एक बेड बन जाए, कि जब मैं आप इसमें वाटरिंग करूं तो जो पानी है वो तुरंत के तुरंत इसमें से ड्रेन ना हो, थोड़ी देर होल्ड हो सके। क्योंकि ये छोटा प्लांट है तो इसमें इसके पॉट में थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो है वो थोड़ी देर अगर रुकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पानी ना रुके, थोड़ा मॉइस्चर इसकी सॉइल गीली हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। नीचे की सॉइल मैंने प्रेस कर दी है, अब जो सॉइल मैं रखूँगा उसको ज़्यादा प्रेस नहीं करूँगा। फ्रेंड्स, इस प्लांट को डायरेक्ट कम से कम 6 आवर की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए। और ये ठंडियों के टाइम में ज़्यादा अच्छा तरीके से सर्वाइव नहीं करता है, इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ठंडियों के टाइम में अगर हो सके तो आप इसको इंडोर रखिएगा, अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है तो। अब मैं इसको यहाँ पे रख के देख लेता हूँ, ये ठीक है, इस लेवल से ये नीचे ही है, सेंटर में हम इसको प्लेस कर देंगे और पॉट को फिल कर देते हैं। फ्रेंड्स, मोरिंगा प्लांट के बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट रहते हैं, आप अपने घर में भी इसको ज़रूर ग्रो करिएगा। फ्रूटिंग के लिए फ्रेंड्स ये 8 से लेकर के 20 मंथ्स तक का टाइम लेता है। और इसमें इतने ज़्यादा मेडिसिनल बेनिफिट हैं इसके कि 300 टाइप्स की डिफरेंट डिसीजेज में ये फ़ायदा करता है। इसके फ्लावर और लीव्स, फ्रूट्स, सारे ही चीज़ों का अपना अपना मेडिसिनल बेनिफिट है। हल्का हल्का सा मिट्टी को प्रेस कर देंगे, फ्रेंड्स सॉइल मीडिया में मैंने सैंड के साथ साथ में इस बार मैंने सैंड ऐड किया है। नॉर्मली मैं करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास जो सॉइल है वो वैसे भी सैंडी सॉइल होती है ज़्यादातर, तो इस बार मैंने लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा सैंड इसमें ऐड किया है और साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली भी ऐड की हुई है। फ्रेंड्स, सॉइल से मैंने इसको फिल कर दिया है जो मेरा सॉइल मीडिया था, अब मैं इसमें वाटरिंग कर दूंगा। फ्रेंड्स, फूटिंग के लिए एटलीस्ट मुझे 18 इंच का पॉट चाहिए, और अगर आप भी पॉट में लगाना चाह रहे हैं इसको तो एटलीस्ट 18 इंच का पॉट लीजिएगा, उससे बड़ा भी मिल जाता है आपको तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे पास छोटा ही पॉट था अभी जो कि 10 इंच का है, तो मैंने वही पॉट लिया है और फिर मैं इसको 2 साल बाद या 1.5 साल बाद इसको रिपॉट कर दूंगा। तब तक के लिए इसकी ग्रोथ के लिए ये जो पॉट है ये सफिशियंट है। अब मैं इसमें वाटरिंग कर देता हूँ। फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से मैंने इसमें वाटरिंग कर दी है और कम से कम इसको मैं 4-5 दिन के लिए भी शेडी एरिया में रख दूंगा, और फिर जब इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तब मैं इसे सनलाइट में रख दूंगा। होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।